हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 बार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 सिंगल डिस्क वर्सेस बजाज पल्सर 125 कार्बन फाइबर स्प्लिट सीट वेरिएंट का, और ये E20 मॉडल है, मतलब न्यू मॉडल है। दोनों बाइक का कंपैरिजन का वीडियो डिटेल में होने वाला है, तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की, तो 125 पल्सर और पल्सर 150 में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, सेम देखने को मिलती है बाइक, और कार्बन फाइबर मॉडल में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। साइड बाय साइड देखें तो स्प्लिट सीट वेरिएंट ज़्यादा स्पोर्टी लगता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल डिस्क वेरिएंट। यहाँ पर सिंगल पीस सीट देखने को मिलती है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, पल्सर 125 भी सेम लगती है, पल्सर 150 भी सेम देखने को मिलती है, आपको ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। और यहाँ पर मडगार्ड के ऊपर स्टिकर्स तक सेम देखने को मिलते हैं आपको, और डोम के ऊपर भी स्टिकर्स सेम आते हैं। टैंक को भी देखो तो टैंक भी आपको सिमिलर लगता है दोनों ही बाइक का, ये 150 है और ये 125 है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिमिलर टैंक, और काउल भी आपको सेम मिलता है। यहाँ पर आपको बेली पैन भी सिमिलर मिलता है दोनों ही बाइक का, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता, स्टिकर्स तक सेम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर डीटेसा इंजन है, यहाँ पर बजाज का नॉर्मल सा इंजन आता है। यहाँ पर कार्बन फाइबर का स्टिकर है, इसके ऊपर भी सेम है, ये पार्ट भी सेम, और इधर का 125 की बैजिंग मिल जाती है आपको, यहाँ पर 150 क्योंकि ये 150 सीसी है और ये 125 सीसी है। रियर प्रोफाइल आपको 125 स्प्लिट सीट की ज़्यादा स्पोर्टी लगती है क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब हैंडल देखने को मिलते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर स्प्लिट LED टेल लाइट आपको अच्छी अट्रैक्टिव मिलती है। दोनों बाइक के अंदर LED टेल लाइट सेम आती है, थोड़ा यहाँ पर बताने को मुश्किल हो रहा है, लेकिन ज़्यादा स्पोर्टी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिलती है पल्सर 125 स्प्लिट सीट की टेल लाइट। और रियर में प्रॉपर मडगार्ड आते हैं दोनों बाइक के अंदर, और यहाँ पर इसके अंदर भी मफलर आता है और इसके अंदर भी मफलर आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ मैं, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो बजाज देता है। ये मफलर की वजह से क्या है, मानसून में आप इजीली बाइक राइड कर सकते हैं। क्लोज चेन देखने को मिलती है दोनों ही बाइक के अंदर, और इधर भी आपको क्लोज चेन मिलती है। साड़ी गार्ड यहाँ पर अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, लेकिन आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है पल्सर 150 के अंदर, जैसे इसके अंदर भी आता है। और फुटपेक की क्वालिटी सब कुछ आपको सिमिलर मिलता है, यहाँ तक के हैंडल बार, इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिज़ाइन सब कुछ आपको सिमिलर मिलता है अगर अपन डिज़ाइन में देखने जाएँ तब। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो पहले चलते हैं पल्सर 150 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने। यहाँ पर आपको व्हाइट कलर में मिलता है और ऑरेंज बैकलेट है, इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर एनालॉग में है, इंजन चेक लाइट है, ABS इंडिकेटर है, और यहाँ पर AFE1, AFE2 है, और ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिलता है आपको। IFE आता है, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, और AFE बताया मैंने, डिस्टेंस टू MT यहाँ पर बताता है, फ्यूल गेज फुल यहाँ पर आता है, इंजन चेक लाइट यहाँ पर स्पीड बताती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये सब फीचर्स इसके अंदर आते हैं। बाकी बटन्स में आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच मिलता है, बैकलाइट स्विचेस हैं ये, लो बीम हाई बीम, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न, डुअल हॉर्न आता है इसके अंदर, स्टैंडर्ड मॉडल में ही डुअल हॉर्न देखने को मिलता है जो कि अच्छा लाउड रहते हैं। इसके अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है, और रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे प्रैक्टिकल आते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं 125 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में वॉलपेपर मिलेगा इसका, और ऑरेंज बैकलिट है। ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल सिमिलर है 150 के, फीचर्स तक आपको सेम मिलते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर एनालॉग में, RPM लिमिट मिलती है, इंजन चेक लाइट इधर आती है, इसके अंदर ABS इंडिकेटर नहीं आता क्योंकि इसके अंदर ABS नहीं आता, लो बैटरी इंडिकेटर है, सर्विस रिमाइंडर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, साइड स्टैंड इंडिकेटर है, AFE1, AFE2, IFE1 है, और यहाँ पर ओडोमीटर, ट्रिप 1 ट्रिप 2, डिस्टेंस टू MT, फीचर सबको सिमिलर है। बटन्स की क्वालिटी भी आपको सेम मिलती है, सेम बटन्स मिलते हैं, इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्टर, पासिंग स्विच है, और ये बैकलाइट स्विचेस देखने को मिलते हैं आपको, लो बीम हाई बीम, इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न, इसके अंदर आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलता है, इसकी वजह से साउंड भी आपको कम मिलता है, और क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, रियर व्यू मिरर भी आपको सेम मिलते हैं। अब 150 लेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न का फायदा मिलेगा, साथ ही साथ ABS इंडिकेटर मिलता है क्योंकि इसके अंदर ABS आता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, तो दोनों बाइक के अंदर हेडलाइट सेम है हैलोजन वाली पायलट लैंप के साथ, और इंडिकेटर्स भी आपको सेम मिलते हैं हैलोजन वाले जो कि फ्लेक्सिबल हैं। और रियर की बात करें तो रियर में आपको LED वाली टेल लाइट मिलती है दोनों ही बाइक के अंदर, 150 लो या 125 दोनों बाइक के अंदर LED टेल लाइट मिल जाती है आपको। अब चलते हैं इंजन की तरफ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस इंजन में ही आता है। पहले बात कर लेते हैं 125 के इंजन की, यहाँ पर मिलता है आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व BS6 Phase 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, E20 कंप्लाइंट इंजन, और इससे आपको मैक्स पावर मिलती है 11.8 PS की, और इससे मैक्स टॉर्क मिलता है 10.8 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पर मिलता है आपको
आपको 150 सीसी का DTSI एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इससे मैक्स पावर मिलती है 14 PS की और मैक्स टॉर्क मिलता है 13.2 Nm का विद 5-speed गियरबॉक्स टिप्टो शिफ्टर के साथ। अब दोनों बाइक की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर तगड़ी परफॉर्मेंस तो 150 सीसी देने वाली है और इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन इसके सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया निकलती है पल्सर 125 के सामने। और यहाँ पर क्या आपको बता दूँ, माइलेज की बात करें तो माइलेज बढ़िया ये निकल के देखिए, आपको 50 से 60 का माइलेज मिलेगा हाईवे पर पल्सर 125 से और सिटी में मिलेगा 40 से 50 के बीच में। पल्सर 150 का अलग रहता है, यहाँ पर 50 से 55 का मैक्स माइलेज मिलेगा हाईवे पर और सिटी में 40 से 50 के बीच में। तो 5 km/L का माइलेज ये कम दे सकती है अगर आप रफली राइड करते हैं तब। बाकी इसके अंदर माइलेज आपको बढ़िया मिलेगा क्योंकि पावर कम आती है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ आपको 11.8 PS की पावर मिलने की वजह से क्या है, माइलेज बढ़ जाता है और टॉर्क भी कम है इसके अंदर। उसके अंदर 14 BHP की पावर है और साथ ही साथ 13.2 Nm का टॉर्क है। तो टॉर्क और पावर ज़्यादा रहने की वजह से इसके अंदर माइलेज कम मिलेगा, पिकअप ज़्यादा मिलेगा, टॉप स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा मिलेगा, मिड रेंज में पंच भी अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू पल्सर 125। आप टायर सस्पेंशन और ब्रेक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 125 के सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आता है और 150 में भी आपको सेम टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलता है, सिमिलर है सस्पेंशन। रियर में आपको ट्विन स्विंग आर्म मिलता है नाइट्रॉक्स। दोनों बाइक के अंदर आपको ट्विन स्विंग आर्म मिलेंगे 150 पल्सर लो या 125, तो यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप सेम है। अब टायर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पल्सर 150 के अंदर देखने को मिलता है 8017 का टायर फ्रंट में और पल्सर 125 में भी आपको देखने को मिलता है 8017 का टायर फ्रंट में। दोनों में टायर सेम है। और रियर की बात करें तो रियर के अंदर अपन चले तो पल्सर 125 का आपको टायर देखने को मिलता है यहाँ पर 100/90/17 का टायर और पल्सर 150 का भी आपको सेम टायर मिलता है 100/90/17 का। टायर्स आपको सिमिलर मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। आप बात कर लेते हैं ब्रेक्स की तो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। पल्सर 125 में आपको सिंगल डिस्क मिलेगा 240 mm का, रियर में 130 mm का ड्रम मिलेगा। अब यहाँ पर पल्सर 150 फायदे में रहती है क्योंकि यहाँ पर आपको 260 mm का बड़ा डिस्क मिलता है, साथ ही साथ सिंगल चैनल ABS आता है इसके अंदर जो कि पल्सर 125 में अवेलेबल नहीं है। रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिलेगा तो यहाँ पर फायदे में रहती है पल्सर 150 क्योंकि ज़्यादा सेफ फीचर है इसके अंदर, बड़ा डिस्क है और ABS आता है। पल्सर 125 यहाँ पर पीछे रह जाती है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की तो दोनों बाइक की आपको सीट हाइट मिलती है 790 mm की। पल्सर 150 सिंगल डिस्क की भी आपको सेम मिलती है सीट हाइट और उसकी भी सेम सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5'3" है तो आप आराम से इस दोनों बाइक को भी राइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट आपको पल्सर 150 के सिंगल डिस्क वेरिएंट में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको सिंगल पीस सीट मिलती है। राइडर हो या पिलियन दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं। अब बात करें पल्सर 125 के स्प्लिट सीट वेरिएंट के कंफर्ट की तो यहाँ पर भी आपको कंफर्ट लेवल अच्छा मिलता है। राइडर का तो बहुत अच्छा है, पिलियन कंफर्ट भी ठीक ठाक मिलता है क्योंकि इसके अंदर पिलियन कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट है और यहाँ पर सिंगल पीस सीट है। स्प्लिट सीट वेरिएंट में क्या है, थोड़ा सीट ऊपर की तरफ होती है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लोग, लेडीज़ वन साइड बैठने को भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पल्सर 150 के सिंगल डिस्क वेरिएंट और सिंगल सीट वेरिएंट में आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू स्प्लिट सीट पल्सर 125। तो यहाँ पर कंफर्ट लेवल में पल्सर 150 आगे रहती है क्योंकि इसके अंदर सिंगल पीस सीट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, इंजन कट ऑफ सेंसर है और साथ ही साथ पल्सर 125 के अंदर भी आपको सेम मिलेगा 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। तो ये दो चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलती हैं दोनों बाइक के अंदर। अभी बात करें टैंक कैपेसिटी की तो यहाँ पर सिमिलरिटी खत्म होती है। पल्सर 150 15 लीटर के मैसिव टैंक कैपेसिटी के साथ आती है जो कि हाईवे पर बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपको ज़्यादा पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। और यहाँ पर आपको सिर्फ मिलती है 11.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी, हालांकि 125 cc के हिसाब से सही है लेकिन पल्सर 150 के सामने आपको 3.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी कम मिलती है पल्सर 125 के अंदर। तो यहाँ पर पल्सर 150 आगे निकलती है। ओवरऑल वेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ओवरऑल वेट आपको हेवी देखने मिलता है पल्सर 150 का। यहाँ पर आपको 150 kg का कर्ब वेट मिलेगा सिंगल डिस्क वेरिएंट का और पल्सर 125 का आपको कर्ब वेट मिलता है 140 kg का। तो यहाँ पर क्या है, आपको 10 किलोग्राम हल्की मिलती है पल्सर 125। अगर आप दुबले पतले हैं तो ये बाइक आप आराम से चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हेवी बाइक चाहिए, स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए हाईवे पर, तो पल्सर 150 लो। पल्सर 150 की आपको स्टेबिलिटी बढ़िया मिलेगी क्योंकि वेट ज़्यादा है और साथ ही साथ हाईवे पर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर 10 kg का वेट डिफरेंस मिलेगा, ये 150 kg की है या 140 kg की है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइस डिफरेंस की तो यहाँ पर पल्सर 150 महंगी आती है क्योंकि 150 cc की है। इसका प्राइस आपको देखने मिलता है 1,37,829 रुपये
और यहाँ पर पल्सर 125 स्प्लिट सीट आपको सस्ती मिलेगी 17-18 हज़ार रुपये, 119,500 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोनों बाइक की प्राइसिंग में आपको 18,600 रुपये का डिफरेंस मिलता है। अगर आपका बजट टाइट नहीं है तो पल्सर 150 लेने में क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपको पिकअप अच्छा मिलेगा, टैंक कैपेसिटी बढ़िया मिलेगी, सेफ्टी फीचर ABS मिल जाएगा इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको थोड़ा वजन रहने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़िया मिलेगी। परफॉर्मेंस आपको हाईवे पर भी इसकी बढ़िया मिल जाएगी, टॉप स्पीड भी इसके अंदर बढ़िया मिलेगी, लेकिन थोड़ा माइलेज कम मिलेगा पल्सर 125 के सामने। और इसके अंदर DTSI इंजन है डुअल स्पार्क पिन वाला, जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर आपको सिंगल स्पार्क पिन वाला इंजन मिलता है। दोनों बाइक के अंदर किक मिलता है तो किक की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों बाइक के अंदर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लुक का हो गया, सस्पेंशन, टायर्स, और यहाँ पर आपको बता दो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स सब कुछ सिमिलर मिलते हैं। लेकिन इंजन बढ़िया रहने की वजह से पल्सर 150 महंगी आती है, जो कि 137,829 रुपये के प्राइस पर है। अब पल्सर 125 लेने में क्या क्या फ़ायदा है। अगर आपका टाइट बजट है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए एज कम्पेयर टू दिस वन तो आप इसकी तरफ जाना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं 119,500 रुपये के प्राइस के हिसाब से। जैसे कि आपको पल्सर 150 का लुक आपको इसके अंदर ही मिल जाता है। अगर आपको स्पोर्टी डिज़ाइन चाहिए तो आप स्प्लिट सीट वेरिएंट को देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा स्पोर्टी लगता है सिंगल सीट वेरिएंट के कंपैरिजन में। क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं आपको, ब्रेक भी अच्छे मिलते हैं, टायर आपको सेम मिलते हैं पल्सर 150 जैसे, सस्पेंशन सेटअप भी सेम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल स्पार्क पिन वाला इंजन मिलता है। और यहाँ पर आपको पावर कम मिलेगी, टॉर्क भी कम मिलेगा, लेकिन अगर अपन 125 cc के बाइक से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा पावर इसके अंदर आती है अगर आप मिड रेंज में राइड करते हैं तब। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 वर्सेज बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट वेरिएंट का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।